कांकेर में बीएसएफ ने अभियान चलाकर के जंगल में मंगलवार को 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। वहीं इस मुठभेड़ में 3 जवान घायल भी हो गए, जिन्हें रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार जारी है। वहीं आईएनएस न्यूज की टीम भी मुठभेड़ स्थल पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। इतिहास का सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीते दिन कड़ाके की दोपहर को जो है नक्सली कैंप लगाकर जो है इसी पहाड़ी में आपको दिखाना चाहूंगा, इसी पहाड़ी में जो है नक्सली कैंप लगाकर बैठे हुए थे, जहां पर सुरक्षा बलों ने जो है उन्हें चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला किया और उन्हें 29 नक्सलियों को मारने में जो है सुरक्षा बल को जो है कामयाबी मिली। निश्चित ही मैं आपको बताना चाहूंगा, चारों तरफ यहाँ जो है खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना कैमरामैन से बोलूंगा कि आपको दिखाए, निश्चित आप देख सकते हैं कि यहाँ खून के धब्बे दिख रहे होंगे आपको। ये वही नक्सलियों के खून के धब्बे हैं जो यहाँ पर जो मारे गए हैं, बीते कल जो मुठभेड़ हुई उसमें मारे गए हैं। यहाँ जगह जगह पर कपड़े पड़े हुए हैं और साथ ही जो बांस के जो स्ट्रेचर हैं वो भी पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नक्सलियों को जो है इन्हीं में यहाँ पर लाया गया और पिकअप वाहन में चढ़ाकर उन्हें ले जाया गया। कांकेर में उनके शव को ले जाया गया और उनका पोस्टमार्टम अभी कांकेर में चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा और भी खून के धब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इन खून के धब्बे को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ का मंजर कैसा रहा होगा, कल का यहाँ का जो मंजर है वो कैसा रहा होगा। निश्चित ही लोकसभा चुनाव से पहले इतने बड़े घटना को अंजाम देना बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस विभाग की मानी जा सकती है, क्योंकि चुनाव को विफल कराने में नक्सलियों का बहुत बड़ा हाथ होता है और इतने बड़े संख्या में नक्सली एकजुट हुए तो कहीं ना कहीं बड़े किसी घटना को अंजाम देने की तैयारी नक्सलियों की रही होगी। लेकिन सुरक्षा बलों के द्वारा जो है एक बड़े घटना को अंजाम को टाला गया और नक्सलियों को जो 29 नक्सलियों को जो है मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया। सुमित बड़े, आईएनएच न्यूज, बांदे।